वर्जिनिटी टेस्ट पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से बैन लगा दिया है। मगर होता है क्या ये वर्जिनिटी टेस्ट? जब भी किसी महिला पर सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है तो सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि डॉक्टर अपनी दो उंगलियों को उसके वजाइना के अंदर इंसर्ट करके यह चेक करता है कि कहीं हाइमन रप्चर तो नहीं हो गया है या फिर वजाइनल वॉल्स ढीली तो नहीं पड़ गई हैं, ताकि वो ये बता सके कि महिला के साथ सेक्स हुआ है या नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षण को दंडनीय अपराध की श्रेणी में डालते हुए ये कहा कि इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है, साथ ही यह पीड़िता पर मानसिक व शारीरिक प्रभाव भी डालता है। वर्जिनिटी टेस्ट के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं उनके साथ कभी रेप नहीं किया जा सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नकार दिया और बोला कि भाई महिला के कंसेंट के नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो करना